दोस्तों आज के स्टूडियो में हम आज पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज अ टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और few copies of segment of DNA across several order of magnitude, generating thousands to millions of copies of particular DNA sequence। एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक है, यूज होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एम्पलीफाई सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपी सेगमेंट ऑफ DNA across several order of magnitude, generating thousands of million copies और पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के लिए। तो ये क्या है, डेवलप इन 1983 बाय कैरी मुलियस, पीसीआर इज नाउ अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन क्लिनिकल एंड रिसर्च लैबोरेटरीज फॉर अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। इन 1993 मुलियस वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन पीसीआर। मुलिस को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में पीसीआर टेक्निक के लिए, डिस्कवर करने के लिए। द कंपोनेंट ऑफ पीसीआर क्या है, कंपोनेंट डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट इज अ डीएनए टारगेट सीक्वेंस। क्या है, डीएनए टारगेट सीक्वेंस है। डीएनए टेम्पलेट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन डीएनए रीजन। डीएनए टेम्पलेट में क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट उसमें रीजन है डीएनए का। सेगमेंट टू एम्पलीफाई द सेगमेंट वी आर कंसर्न विच इज द टारगेट सीक्वेंस। अबे डीएनए पॉलीमरेस क्या है, डीएनए पॉलीमरेस सीक्वेंटली एड्स न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड एट 3OH ऑफ द बॉन्ड प्राइमर्स एंड सिंथेस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट टू द टारगेट सीक्वेंस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएनए पॉलीमरेस इज पैक डीएनए पॉलीमरेस फ्रॉम थर्मस एंटिकस थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। इसमें हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। पीएफयू डीएनए पॉलीमरेस फ्रॉम प्रोकोकस इज यूज्ड वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स हायर फिडेलिटी एक्यूरेसी ऑफ एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड Mg2+ आयंस द बफर एक्ट कोफैक्टर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड हेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। इसमें Mg2+ आयंस बफर एक्ट होता है बोल कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड हेंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए। ये तो हो गया प्राइमर्स के। प्राइमर्स आर सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड अबाउट 80-25 न्यूक्लियोटाइड्स का रहता है। प्राइमर का एक डीएनए स्ट्रैंड है उसमें 80-25 न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री रहते टू 3 स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए फ्रॉम 3 एंड ऑफ द प्राइमर। अभी क्या, टू प्राइमर्स मस्ट बी डिजाइन फॉर पीसीआर, द फॉरवर्ड प्राइमर एंड द रिवर्स प्राइमर। दो प्राइमर है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। द फॉरवर्ड प्राइमर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड के लिए एंड द रिवर्स प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 एंड सेंस स्ट्रैंड दैट इज 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड, मतलब अपोजिट में, तो उसको रिवर्स स्ट्रैंड बोलेंगे। इफ रिवर्स प्राइमर बोलेंगे सॉरी इफ वी कंसीडर द सेंस स्ट्रैंड 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड द जीन डिजाइनिंग प्राइमिंग प्राइमर्स देन फॉरवर्ड प्राइमर इज द बिगिनिंग ऑफ द जीन एंड द रिवर्स प्राइमर इज द रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 एंड ऑफ द जीन। अभी आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम है, सेंस स्ट्रैंड है 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड में, ये रिवर्स प्राइमर है क्योंकि 5 से 3 की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है GT GC AC, तो ये दिख ही रहा है आपको, ये पूरा सीक्वेंस है। बट ये जो है ये फॉरवर्ड है क्योंकि ये
से फाइव स्ट्रैंड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड बोलेंगे, एंटी सेंस ट्रेंड बोलते हैं इसको। तो प्राइमर्स का डिजाइन कैसा रहता है, प्राइमर शुड बाइंड टेम्पलेट विथ गुड स्पेसिसिटी एंड स्ट्रेंथ। प्राइमर क्या बाइंड करता है टेम्पलेट विथ गुड स्पेसिसिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए। ये प्राइमर डू नॉट बाइंड टू करेक्ट टेम्पलेट, रॉन्ग सीक्वेंस वी विल गेट एम्पलीफाइड। ऑप्टिमल प्राइमर सीक्वेंस एंड अप्रोप्रिएट प्राइमर कॉन्सेंट्रेशंस आर इसेंशियल फॉर मैक्सिमल स्पेसिसिटी एंड इफिशियंसी इन PCR। द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन द प्राइमर एंड बिटवीन प्राइमर शुड बी अवॉइडेड इफ देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन टू प्राइमर्स यूज्ड, वन प्राइमर इन द DNA स्ट्रैंड एंड प्राइमर विल हाइब्रिडाइज विद ईच अदर थस फॉर्मिंग प्राइमर डाइमर एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर बाइंडिंग विद टेम्पलेट। इफ देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस विद इन द प्राइमर इट विल मेक हेयर पिन लुक स्ट्रक्चर। जो प्राइमर रहता है उसका हेयर पिन लुक स्ट्रक्चर रहता है शोन इन बिलो, तो ये देख ही सकते हैं हेयर पिन लुक का ये स्ट्रक्चर है प्राइमर विथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस विथ इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ बताए गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, द प्राइमर शुड प्रेफरेबली एंड टू अ गुआनिन एंड साइटोसिन GC सीक्वेंस टू दैट एट कैन with sufficient strength with template. This increase efficiency of primer priming due to stronger bonding of G and C bases. A run of 3 or more cytosines or guanine at 33 strand or at the 3 strand end at the primer should be avoided. This may promote mispriming, that is non-specific binding to G or C rich sequence in the genome other than target sequence as adenine and thymine. Base pairs with the single H bond as adenine and thymine. Base pairs with single H bond, so thymine T or adenine A residue should be avoided at the 3 end primers at week. Weaken the primers, hold on the template DNA. Hold on the template DNA. तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड DNTPs और deoxyribonucleotide triphosphates का क्या है। All types of nucleotides are building blocks. ये building blocks का काम करता है। ये nucleotides for the new DNA strand and essential for reaction. Essential reaction के लिए it includes adenine. Adenine है, A and guanine G. साइटोसिन सी, थायमिन टी और यूरासिल यू। ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम अफेक्ट्स द प्राइमर एनिलिंग एंड टेम्पलेट डीनेचुरेशन एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है प्राइमर एनिलिंग एंड टेम्पलेट डीनेचुरेशन एज वेल एज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। एंड एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम गिव्स नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट वाइल लो मैग्नीशियम यील्ड लेसर अमाउंट डिजायर प्रोडक्ट। प्रोसीजर क्या है, देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन PCR विच आर रिपीटेड 30-40 साइकल्स। दिस इज डन ऑन ऑटोमेटेड साइकल विच कैन हीट एंड कूल द ट्यूब्स विद द रिएक्शन मिक्सचर इज वेरी शॉर्ट टाइम। डीनेचुरेशन एट 94 डिग्री सेल्सियस में क्या है, ड्यूरिंग द हीटिंग स्टेप डीनेचुरेशन द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड एट 94 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट while this which this separation of DNA double strand now each strand acts as template for synthesis of complementary strand। ये आपको दिख ही रहा होगा स्टेप वन में डीनेचुरेशन हो रहा है 94 डिग्री सेल्सियस में 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड में, और ये आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा है। बट एनिलिंग एट 54 डिग्री सेल्सियस दिस स्टेप कंसिस्टिंग ऑफ अ कूलिंग ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर डीनेचुरेशन स्टेप ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस विच कॉजेस हाइब्रिडाइजेशन एनिलिंग ऑफ प्राइमर टू सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ DNA टेम्पलेट। द लेंथ ऑफ GC कंटेंट गुआनिन साइटोसिन कंटेंट ऑफ प्राइमर शुड बी सफिशिएंट फॉर स्टेबल बाइंडिंग टेम्पलेट। तो ये दिख रहा होगा द गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडिनिन बाइंड्स विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दस हायर GC कंटेंट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग इन C केस GC के कंटेंट इज लेस
लेंथ में भी इंक्रीज टू हैव स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग मोर नंबर ऑफ एज बॉन्डिंग बिटवीन प्राइमर एंड टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये पूरा जो है एनिलिन प्रोसेस है, ये जो है 54 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 5:10 to 3:10 में 3:10 to 5:10 का दिख रहा है यहाँ पे आरपी, और ये 3:10 to 5:10 में 5:10 to 3:10 का एफपी। यहाँ पे जो लिखा है वही बताया है।